नमस्कार दोस्तों, तो आज हम लोग एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हैं और आज हम लोग बनाएंगे अरबी के पत्ते के पकौड़े। तो जिसके लिए हम लोग पत्ते को काट करके अच्छी तरह से साफ कर लिया है। हरी मिर्च और लहसुन और जीरा मिर्च का पेस्ट बना लेंगे और इसी में चावल को भी हम लोगों ने बारीक पीसा है और इसी को ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद हम लोग भरा हुआ मिर्च अचार और हल्दी का पाउडर है इसी में ऐड कर देंगे। अचार और भरा हुआ मिर्च डालने से जो गले में खराश होती है वो बंद हो जाता है। उसी में हम लोग ये गरम मसाला 1 टेबल स्पून डाल दिया है और मटर का बेसन हम लोग इसी में ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद इसी में स्वाद अनुसार हम लोग नमक को भी ऐड किया है और नमक को ऐड करने के बाद इसको हम लोग अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो दोस्तों, इसको फेंटने में थोड़ा समय लगता है लेकिन इसको इतना फेंटिए कि जो सारे हम लोगों ने सामान डाले हैं वो अच्छी तरह से मिल सके। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों का जो मसाला है वो अच्छी तरह से फेटा रहा है। दोस्तों, हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि घंटा भी ना मिस हो, और कमेंट भी करिएगा कि रेसिपी कैसी लगी आपको। तो दोस्तों, इसको हम लोग फेंट लेंगे और इसको अच्छी तरीके से हम लोगों को फेंटना है। और फेंटने के बाद हम लोग, चलिए दोस्तों, अब इसको हम लोग ये पत्ते पर लगा देंगे। तो दोस्तों, हम लोगों का जो पेस्ट है उसका इतना गाढ़ा पेस्ट बनाना है कि ताकि जो पत्ते हम लोग आसानी से चिपकाएं, उसमें जो मसाला जो है आसानी से चिपकना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, और एक पर एक हम लोग पत्ते को लगा लगा के लेयर बनाते जाएंगे और जो मसाला है उसको आसानी से हम लोग पीसते जाएं पोतते जाएंगे और लेयर बाय लेयर हम लोग पत्ते को बिछाते जाएंगे। बहुत ही यूनिक रेसिपी है दोस्तों, एक बार ट्राई ज़रूर करें। और देखिए दोस्तों, जो पत्तियां हैं उसको लेयर बाय लेयर बिछाते जाएंगे और इस पे पेस्ट को हम लोग लगाते जाएंगे। और पेस्ट लगाने के बाद हम लोग दोनों साइड से इसको इसी तरह फोल्ड कर करके या इस पर भी पेस्ट हम लोग लगा देंगे ताकि जब हम लोग इसका गोल राउंड बनाएंगे तो उधड़े ना, आपस में चिपका रहे। तो दोनों साइड से हम लोग इसको दबा करके और पेस्ट जो है उसको लगा लेंगे। और इसको फिर लगाने के बाद हम लोग गोल राउंड में इसको लपेट लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसको हम लोग चाप करके इसका रोल बना लेंगे और पत्तियां जो है वो बाहर ना निकल पाएँ इसीलिए हम लोग हाथों की सहायता से उसको दबाते रहेंगे और रोल बनाएंगे। और रोल बनाने के बाद हम लोग इसी पे जो थोड़ा सा पेस्ट लेकर के जो पत्तियां निकल रही हैं उसको भी दबा देंगे ताकि हम लोग जब इसको काटेंगे तो ये उधड़े ना, इसीलिए हम लोग पेस्ट को लगा करके अच्छे तरीके से बंद कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों का रोल जो है बनकर तैयार हो चुका है। तो इसी तरह हम दूसरा भी बना लेंगे। दोस्तों, हम लोगों का दूसरा रोल भी बनकर तैयार है। और चलिए अब इसको हम लोग काट लेते हैं, क्योंकि दोस्तों हम लोगों को जो इसके पकौड़े हैं अरबी के पत्ते के, हम लोग इसको बॉयल नहीं किए हैं तो इसको हम लोग छोटे छोटे शेप में काट करके इसको डायरेक्ट ही हम लोग तेल में पकाएंगे। और ये तरीका दोस्तों
नया है और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो देखिए दोस्तों, इसको हम लोग छोटे छोटे शेप में काट लिए हैं और हम लोगों का कट करके ये तैयार है। तो चलिए दोस्तों, अब इसको हम लोग पका लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कढ़ाई में कुकिंग ऑयल को ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद इसी में जो पकौड़े काट कर रखे हैं इसको हम लोग इसी में ऐड कर देंगे। तो दोस्तों एक बार ट्राई ज़रूर करें, बहुत ही यूनिक रेसिपी है। ना इसको बॉईल करना है और इसको हम लोग डायरेक्ट ही पकाए हैं। और इसको हम लोग जो आँच है इसकी थोड़ा लो ही रखेंगे क्योंकि दोस्तों हम लोगों को इसको इसी पर पकाना है। तो आँच अगर ज़्यादा तेज़ रहेगी तो ऊपर से जल जाएंगे और अंदर तक नहीं पकेंगे, तो इसीलिए आँच को हम लोग थोड़ा धीमा ही रखेंगे। और इसको हम लोग अब कवर कर करके 10 मिनट तक पकाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हम लोग का जो पकौड़े है वो बीच में लाल होना भी स्टार्ट हो चुका है, तो इसको हम लोग दूसरी तरफ भी पलट लेंगे। ये जो बीच वाला है दोस्तों, इसको हम लोग पलट करके निकाल लेंगे। हाँ तो दोस्तों, इसको हम लोग पलट लिए हैं दूसरे साइड भी, और पलटने के बाद इसको हम लोग अब 15 मिनट और पकाएंगे। तो पकाने के बाद दोस्तों देखिए, हम लोग जो अरबी के पत्ते के पकौड़े हैं वो बनकर तैयार हैं। तो चलिए अब इसको हम लोग चेक कर कर बताते हैं कैसा बना है। तो गाइस, हम लोग जो अरबी के पत्ते के पकौड़े हैं वो देखिए लेयर बाय लेयर कितनी अच्छी तरह से पक चुका है। तो आप भी बनाएं और इन्जॉय करें। तो दोस्तों, इसी तरह हम लोग एक नई नई रेसिपी बनाते रहते हैं। तो नई नई रेसिपी सीखने के लिए चैनल को लाइक ज़रूर करें और जो नीचे लाल बटन है उसको प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाते हैं, घंटा भी ना मिस हो, और दोस्तों में शेयर भी करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। गुड बाय, टेक केयर।